सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। चलिए देखते हैं। जो यूजीसी ने है वह अनाउंस कर दिया है कि अब आपका एडमिशन ट्वाइस होगा। यस, बैनुअल एडमिशन। और इन्होंने यह फोर्सफुली नहीं किया है, मीन्स यू कैन हैव ऑप्शन ऑफ, यानी यूनिवर्सिटी हैव ऑप्शन ऑफ ट्वाइस ए ईयर। इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट, कि अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस आपका क्या है। एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है वह है आपका कि जुलाई अगस्त में एडमिशन होती है, परंतु नो ऑनवर्ड्स यूनिवर्सिटी कैन हैव एडमिशन इन जुलाई अगस्त एज वेल एज जनवरी फरवरी। तो यहाँ पे दो चीज़ों का आप ध्यान देंगे, दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू। अभी जो है जनवरी में एडमिशन शायद नहीं होती है, ठीक है, यूजुअली जो होता है यूजी पीजी में। एक तो जनवरी फरवरी में होगी और अब एक जुलाई अगस्त में होगी। तो इसका यह नहीं मतलब है कि आप 2.5 ईयर्स में एडमिशन पा लोगे। नो, दिस डजेंट मीन। दिस मीन्स कि जो बच्चे थर्ड ईयर के बाद, यूजी के बाद ड्रॉप लेते थे, जिनको फोर्थ ईयर तक 1 साल वेट करना पड़ता था, नाउ दे कैन वेट फॉर 3.5 ईयर्स। और जो मेरा अपना मानना है, जो जैसे सीयूटी पीजी है, मैं बात करूंगा अभी, तो सीयूटी पीजी का जो है, अब जैसे कोर्स हमारा चल रहा है 25 का, ठीक है, तो दिस डज नॉट मीन कि आप 2.5 ईयर्स में यूजी को छोड़कर पीजी ज्वाइन करोगे। नो, दिस मीन्स कि अगर आप थर्ड ईयर के बाद ड्रॉप ले रहे हो, तो 3.5 ईयर्स में यू कैन ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। और यह इंस्टीट्यूट जो है अभी कंप्लीटली फोर्सफुल्ली नहीं है कि आपको करना ही करना है। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी, उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास क्या अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, एंड हाउ दे विल बी गोइंग फॉर दिस। मैं आपको अभी प्रोज ऑन कौन शेयर करूंगा। देखिए, एक तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्रोज प्रोज वाली जो बात है, आपका एटलीस्ट 6 मंथ का सेविंग होगा स्टूडेंट्स का। जो बच्चे 4 साल वेट करते थे, 4 साल इन द सेंस कि 3 ईयर यूजी किए प्लस 1 साल ड्रॉप लिए, 1 ईयर, दे कैन हैव टू जस्ट वेट फॉर 6 मंथ। और नाउ प्रोबेबली दे आर कंडक्टिंग ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, विच इज योर सीयूईटी। तो अब क्या होगी, सीयूईटी का एग्जामिनेशन ट्वाइस होने वाला है, एंड इट विल बी अनाउंस्ड वेरी सुन, एंड दैट स्कोर विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर स्कोर वैलिड होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सपोज दैट आपने जून में सीयूईटी क्लियर किया, ठीक है, सो सीयूईटी जून में आपने क्लियर किया, तो वह जून वाला जो सीयूईटी होगा, इट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। वह जून एडमिशन के लिए वैलिड होगा ही, एज वेल एज दैट विल बी वैलिड फॉर योर जनवरी एडमिशन, जो जनवरी 25 में एडमिशन होगी। ठीक है, जैसे अभी आपने सीयूईटी क्लियर किया था मार्च अप्रैल वाला, जो कि जून सेशन के लिए एडमिशन दिलाती है, एंड सेम स्कोर विल बी वैलिड फॉर योर 25 जनवरी एडमिशन, एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम दिस ईयर दे विल बी स्टार्टिंग। यहाँ पे कंप्लीटली इन्होंने लिखा है, दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू पीपल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजीसी अनाउंसेस बैनुअल एडमिशंस इफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कैन ऑफर एडमिशन ट्वाइस ए ईयर। अगर इन्होंने जो दलील दिया है, व्हाट दे हैव प्रपोज दैट, कि अगर दो बार एडमिशन लेती है, इट विल बेनिफिट मैनी स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम दिस साइड आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट कि यस, फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स डेफिनेटली दे विल गेट बेनिफिटेड, बट आई विल ऑल्सो टेल यू 2 to 3 कॉन्स, आई विल बी कमिंग टू दैट। दोज हू मिस्ड एडमिशन इन द जुलाई अगस्त, यह मेरा भी जिक्र होता था कि यार जुलाई अगस्त में अगर आप एडमिशन मिस कर गए बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, सो यू कैन ज्वाइन इन द जनवरी सेशन। ड्यू टू डिले इन अनाउंसमेंट ऑफ बोर्ड रिजल्ट, बहुत के यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उसी समय, जैसे बहुत का भी काउंसिलिंग होगा एचसीयू वगैरह का, और आपका उसी वक्त सेमेस्टर एग्जाम में है, ड्यू टू हेल्थ इशू, ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन, तो दे कैन सीक एडमिशन इन जनवरी एंड फरवरी। बैनुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन विल हेल्प स्टूडेंट्स मेंटेन मोटिवेशन सिंस दे डू नॉट हैव टू वेट फॉर फुल ईयर। दैट इज वेरी गुड पॉइंट दैट यूजीसी चेयरमैन हैज रेज, कि आपको 1 साल वेट नहीं करना, और आपको ही पता है एग्जाम का प्रिपरेशन 2 to 3 months में होती है, राइट? तो 2 to 3 months में हुए और आपको 12 मंथ्स का गैप मिला, तो 10 मंथ्स आपके ऑलमोस्ट वेट हो वेस्ट होते थे। अब क्या होगा कि आपका एडमिशन प्रोसीजर अगस्त अगस्त तक क्लियर हो जाती है, तो यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर सितंबर टू दिसंबर, 3 से 4 महीने आपको प्रिपरेशन करने हैं, फिर आपका जनवरी में एडमिशन होगा। एंड वेरी सुन आई एम क्वाइट श्योर कि 2 times ये लोग, वो 23 में ही वो लोग बोल देते, 2 times आई विल बी टेकिंग सीयूईटी फॉर द यूजी एज वेल एज द पीजी, एंड दिस विल बी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द ड्रॉप ईयर। ड्रॉप ईयर जिनको लेना है, दे डोंट हैव टू टेक ड्रॉप ईयर, दे विल हैव टू टेक ड्रॉप सेमेस्टर, नॉट सेमेस्टर का मतलब हुआ 6 मंथ। ठीक है, तो गाइज नॉट दे डोंट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर, नॉट दे हैव टू टेक ड्रॉप सेमेस्टर, यानी 6 मंथ का आप गैप होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इनके डिमेरिट्स क्या है। नंबर वन डिमेरिट, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी आर नॉट रेडी, क्योंकि कुछ कुछ जो है ओवरलैप हो जाएगी, कुछ कुछ सेमेस्टर, यू नो दैट, जैसे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर या ओवरलैप हो सकती है, तो वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, वी हैव फैकल्टी इशू। सेम फैकल्टी को आपको दोनों सेमेस्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ानी होगी, विच इज नॉट, वी आर नॉट रेडी। फैकल्टी का भी काफी इशू है,
लैक ऑफ वैकेंसी। थर्ड इशू, फ्रॉम टीचर साइड इफ यू सी और फ्रॉम प्रोफेसर साइड दे विल हैव वेरी लेस लग्जरी टाइम और यू कैन से ऑफ टाइम, जिनको कि वेकेशन वगैरह बोला जाता था। यूजुअली 2 months का वेकेशन इंडियन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर वगैरह को मिल जाता था। नियरली 1 month आपके समर सेमेस्टर में और 1 month विंटर ब्रेक, ऑल टूगेदर नियरली 2 months एब्सोल्यूटली उनको मिलता था एंड इसमें सैलरी वगैरह कुछ भी कट नहीं होती थी। तो फ्रॉम दिस साइड देर आर द कॉन्स, बट इफ यू सी द प्रोज, तो प्रोज ये है कि उनको ईयर गैप अब नहीं लेना पड़ेगा। तो पीपल हु आर जस्ट वेटिंग कि नहीं मुझे 1 year वेट करना है, ऐसी सब बात नहीं है। सो आवर कोर्सेज आर रनिंग फॉर द CUET 25 कोर्स, फ्री डेमो लेक्चर्स विल बी देयर, लिंक इज गिवन बिलो, यू कैन वॉच डेमो लेक्चर्स देन यू कैन ज्वाइन। ओके, सो विश यू द बेस्ट। अब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, और जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए भी हमारा बैच चल रहा है दिसंबर सेशन के लिए, यू कैन चेक आउट एट आवर नवीनॉमिक्स ऐप एंड प्लीज डाउनलोड द ऐप बिकॉज यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ फ्री टेस्ट, मोर देन 15-20 फ्री टेस्ट, लॉट्स ऑफ पीडीएफ मटेरियल्स, लॉट्स ऑफ फ्री बुक्स आर देयर। ओके, चलिए गाइस, विश यू द बेस्ट। तो आपने देख लिया क्या क्या देखा, यूजीसी ने अब 2 बार एडमिशन लेने की तैयारी ठानी है, दैट इज फॉर यूजी, फॉर द पीजी एज वेल एज द पीएचडी। एवरी 6 month पे एडमिशन होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम भी एवरी 6 month पे होगी, दैट इज योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो 6 month पे होती थी एंड दैट एग्जाम का स्कोर जो वैलिड रहेगा दैट इज फॉर द 1 year। नो आई एम लिविंग यू टू नेक्स्ट वीडियो, आई कम विद द डिटेल्ड मेरिट्स डिमेरिट्स प्रोज एंड कॉन्स। नो इट्स अप टू यू, प्लीज कॉमेंट कि इसके क्या क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, क्या मेरिट होंगे, क्या डिमेरिट होंगे, सो दैट वी कैन हैव ए पब्लिक डिस्कशन रिव्यू सिस्टम एंड डेफिनेटली यूजीसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक इन टू अकाउंट ऑफ आवर सजेशंस। ओके, क्योंकि अभी कम्प्लीटली लॉन्च नहीं हुए, बट आई एम प्रेटी श्योर अगर कुछ यूनिवर्सिटी अभी लॉन्च करती है, बिकॉज यह ऑल अबाउट जो एजुकेशन को बिजनेस बनाने की मुहिम है, दैट इज द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दे आर सपोज दैट चार्जिंग फॉर एडमिशन 2 lakh rupees, ठीक है, एडमिशन चार्ज अगर 2 lakh rupees है पर ईयर, तो नाउ दैट मनी दे विल बी गेटिंग पर 6 month, सो ट्वाइस उनका हो जाएगा, यू गॉट माई पॉइंट। एंड साइमल्टेनियसली जो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स हैं, बहुत जगह है, HCU में है, JNU में है, जामिया में है, बहुत जगह खुल चुकी है, DU में है, तो दे विल ऑल्सो टेक ट्वाइस, क्योंकि उनको ट्वाइस इनकम होगा ना। सो दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर द रेवेन्यू सोर्स फॉर द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ये सब प्रोज ऑन कौन से, उनके साइड से ये प्रोज हो गए, हमारे साइड से कौन सी, ये हुए कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आई डोंट नो हाउ वी विल कैप अप। जो आपको पता है डीएससी में बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, दे डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 300 स्टूडेंट्स एट ए टाइम इन अ रूम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो वेदर वी शुड फोकस ऑन सच थिंग्स। एनीवे, दीज ऑल आर अप टू ओपन डिस्कशन, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इफ यू विल कॉमेंट बिलो कि क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या कौन से हैं। तो सी यू देयर इन द नवीनॉमिक्स कोर्स बैच 25, और अगर यह 25 का कोर्स अगर आपको लग रहा है कि आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो अगर जनवरी में एडमिशन होती है तो डेफिनेटली सीयूईटी एग्जाम हैज टू बी देयर इन द दिसंबर इटसेल्फ, आपके पास नियरली 4-5 to 6 months बचेंगे। अगर एग्जाम जून में होती है तो डेफिनेटली दे विल टेक एग्जामिनेशन इन द अप्रैल मई या मार्च में, जो लास्ट टाइम हुई थी। ओके, सो दैट वॉज द डिटेल्स अबाउट यूजीसी के क्या है आगे प्रोसीजर, और इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि आपका नेक्स्ट सेशन से ही होगा, ठीक है, ये जो नेक्स्ट सेशन है वहीं से होने वाला है 24-25 में। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी या लास्ट वीक ही अपडेट कर दिया था, या 3-4 दिन पहले ही न्यूज आई है। चलिए, विश यू गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द क्लास गाइज। चलिए।